करेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सीडीओ को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में बीसी सखी वंदना पांडे ने बताया कि हम सभी बीसी सखी हैं। हम लोगों को कार्य करने के लिए डिवाइस उपलब्ध करवाया गया। हम लोगों को कार्य करने में तमाम प्रकार की समस्या आ रही है। हम लोग घर घर जाकर बैंक के माध्यम से खाता खोलते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इसलिए हमारी मांग है कि कार्य करने के लिए लैपटॉप उपलब्ध करवाया जाए। हम लोगों को 75 फंड दिया गया था, इसको माफ़ किया जाए और हमारा वेतन नियमित किया जाए, लेकिन हमारी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए हमारी सीडीओ से मांग है कि मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात करवाया जाए, जिससे हम अपनी बात को कह सकें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए बीसी सखी वंदना पांडे ज्योति सिंह ने कहा, सर आप लोग आए? सर हम लोग बीसी सखी हैं और हम लोग आए हैं 75,000 रुपए माफ़ी के लिए, और हम लोग परमानेंट सैलरी के लिए आए हैं। और जो डिवाइस है, डिवाइस को हमको नहीं चाहिए, हमको लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा अवेलेबल करवाई जाए और गवर्नमेंट ने जैसे हम लोगों का। अच्छा आप बताइए, सब लोग कहते हैं कि भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित है, क्या ये महिलाएं सुरक्षित हैं? रन्नू ये बताओ, लोग कहते हैं भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित घर से लोग निकली हैं, क्या घर वाले डांटते बोलते नहीं होंगे कि कहां हम लोग जा रहे हैं? हम लोग यही गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, योगी सरकार से, वो जैसे बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित, हम लोग असुरक्षित हैं। हम लोगों के साथ धोखा हुआ, 75,000 रुपये खुद हमको दिए, हम इससे ब्याज भी ले रहे हैं, उसके बाद से वो खुद मिला जुला के उन्हीं के काम आया, हम लोगों को नहीं, उन्हीं के काम आया। वो दिए भी लिए भी फिर भी उल्टे मांग रहे हैं। क्या मांगे हैं? मुख्य मांग मुख्य मांगे ये है 75,000 रुपए माफी प्लस परमानेंट सैलरी, और ये जो ढक्कन है इसको डिवाइस बदल करके हम लोगों को काम क्या लिया जाता आप लोगों? हम लोग से बैंकिंग काम लिया जाता, जो बिग बैंक करता है वही हम मिनी बैंक करते हैं, सही है ना? हाँ, खाता खोलते हैं, घर घर जाके काम करते हैं, घर में बैठ के नहीं करते, घर घर जाके खाता खोलते हैं। किसी के यहाँ अगर कोई बीमार है तो उसके हम लोग खुद जाके पैसा निकलवाते हैं, बीमा करते हैं, ए टू जेड वर्क हमारा है। और हम लोगों का ना कोई सैलरी है ना कोई कमीशन है, और बैंक भी इतना दूरी है कि घर से पैसा लगा करके हमको बैंक में भी जाना पड़ता है। यही बताया गया था कि हम लोग को 75,000 रुपए सैलरी मिलेगी, वो 75,000 रुपए नहीं 75,000 रुपए गवर्नमेंट, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले ये हुआ था 75,000 रुपए गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 75 सपोर्ट फंड दे रही है, उसके बाद 6,000 रुपए सैलरी हमारी मिलेगी, उसके बाद कमीशन हमारा बढ़िया मिलेगा, बस अब कुछ नहीं पांडे। ज्योति सिंह है, हम लोग का दो मुख्य मांग है, हम लोग का 75,000 जो सपोर्ट फंड दिया गया था उसे माफ़ किया जाए और हम लोग का सैलरी नियमित किया जाए, क्योंकि हमारी बहन बहुत नाराज़ है और हम लोग खुद मुख्यमंत्री के सार में होते हुए मंत्री जी से मिल नहीं पाते हैं। जो कमीशन आता हम लोग का किराया लग जाता, हम लोग का बैंक का जो भी काम होता है वो सारा काम हम लोग भी करते हैं, आधार कार्ड से लेन देन करते हैं, खाता भी खोलते हैं, बैंक का जो भी काम होता है वो सारा काम हम लोग भी करते हैं। ज्योति सिंह।